उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इलाज के लिए विभाग ने स्वास्थ्य सेवाओं में 10% की बढ़ोतरी जरूर कर दी है, जिससे लोगों में खासी नाराजगी है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं और यहां के लोग कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हैं, जिन्हें इलाज के लिए शहरों का रुख करना पड़ता है, लेकिन वहां भी स्वास्थ्य सेवाओं का हाल किसी से छुपा नहीं है। लिहाजा रेफर सेंटर के रूप में कार्य कर रहे संयुक्त और जिला अस्पतालों से निकलकर मरीज देहरादून और दिल्ली का रुख करते हैं, लेकिन अब प्राथमिक स्तर पर ही मरीजों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी, यानी जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ऑपरेशन कराने के लिए 10% ज्यादा खर्च करना होगा। हमारे सभी उसमें 10% की वृद्धि की गई है, और जैसे ओपीडी में 1 रुपए की वृद्धि भी 14 का 15 हो गया है, इसी तरह से इंदौर में सभी 10% बढ़े हैं। सारे टेस्ट और ऑपरेशन और इनमें 20-25 रुपए की मैक्सिमम वृद्धि हुई है, लगभग यही सारा हिसाब है। और इस बीच अगर सरकार से कोई वो उम्मीद करते हैं कि क्या पता इसमें कोई चेंज हो जाए तो सरकार ही कर पाएगी। उधर लोगों का कहना है कि सरकार अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के बजाय स्वास्थ्य सेवाओं के चार्ज में वृद्धि कर रही है, जिससे उनकी दिक्कतें और बढ़ेंगी। उनके मुताबिक चार्जेस में वृद्धि से पहले प्रदेश सरकार को प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना चाहिए। नए साल में देखिए, हमें इतनी चोटें मिली है, पुराने साल की यादें मिली है, कुछ यादें ये भी दे रहे हॉस्पिटल वाले भाई सर, देखिए करवाना चाहिए इलाज, आम जनता कहाँ जाएगी, सरकारी में जाएगी, प्राइवेट में तो इतना पैसा है नहीं कि हम प्राइवेट में जा सके, बाकी इसलिए हम सरकारी में आते कि हमारी जेब भी थोड़ी कम खर्च हो, लेकिन क्या करें सर, प्राइवेट का भी अब यही सिस्टम हो गया है। सर तोहफा कहें मार कहें तो समझ में नहीं आ रहा। आज आए थे अस्पताल में तो पर्ची से लेकर हर चीज में 20-30 रुपए बढ़ गए हैं, टेस्ट में बढ़ गया, एक्सरे या किसी भी चीज पर, तो ये तोहफा तो नहीं है, गरीब पर मार है। और नए साल का तोहफा या मार समझ लीजिए, ये है 2015 का, उत्तराखंड सरकार ये दे रही है, काफी गलत है। दरअसल राज्य में डॉक्टरों की भारी कमी है, खासकर दुर्गम और अति दुर्गम इलाकों में स्थापित स्वास्थ्य केंद्रों को फार्मासिस्टों के भरोसे चलाया जा रहा है। वहीं नैनीताल, गोपेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जैसे स्थानों में भी अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं के चार्जेज में की गई इस बढ़ोतरी से लोगों में खासी नाराजगी है। ऋषिकेश के आशीष डोभाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर राज्य के मुख्य सचिव का कहना है कि सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने की कवायद में जुटी हुई है और जल्द ही अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे लिए प्राथमिकता है और इस दिशा में हम चाहते हैं कि दूर दराज क्षेत्र में चिकित्सकों और अध्यापकों की कोई कमी न रहे। हमारी नीति है इस प्रकार की, हमारे क्षेत्र दूर दराज क्षेत्र में प्रथम तैनाती के तौर पर लोग वहां पर सेवा प्रदान करें, और जो भी वहां पर दुर्गम स्थान पर सेवा करते हैं उनके लिए विशेष मान्यता होगी कि उनके इच्छा अनुसार अगले पोस्टिंग दिया जाए। धन्यवाद। उधर नौगांव के सामुदायिक केंद्र में प्रसव के बाद महिला की मौत से लोगों में गुस्सा है। परिजनों का कहना है कि जब महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था तब उसकी हालत सामान्य थी। परिजनों के मुताबिक प्रसव के बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी, उन्होंने इसके लिए डॉक्टर्स को जिम्मेदार ठहराया है। 5 बजे की बात है कि एक महिला की डिलीवरी होने वाली थी और वो डिलीवरी के लिए आई और यहाँ डिलीवरी सकुशल हुआ, उसके बाद उसकी ब्लीडिंग हुई, फिर मामले को रिफर किया गया और मामला जो है वो मसूरी जाते जाते और वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करते करते वो शायद एक्सपायर हो गई। मैंने कब्जे में ले लिया, जो भी जिन चिकित्सकों ने देखा है, जो भी कागज उसके थे, जो भी क्या क्या उसको दिया गया वो सब मैंने कब्जे में ले लिया और उनकी जाँच होगी, और मेरे ख्याल से डीएम साहब ने भी कहा है कि मजिस्ट्रेट जांच होगी इस पे। नहीं, यहाँ पे ये जैसे ब्लड की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है और बीओसी वाले जो डॉक्टर हैं वो नहीं है, जिससे कि यहाँ पे सर्जरी नहीं हो सकती और ब्लड चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि प्रदेश 2015 में खूब विकास करेगा। उनके मुताबिक उत्तराखंड की प्रगति से दूसरे राज्य भी सीख लेंगे। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि केंद्र को योजनाओं का नाम बदलने से ज्यादा देश के विकास पर ध्यान देना चाहिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। राव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्ष 2013 में आपदा के बाद आपने बतौर मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में आपने कमान संभाली, हालांकि 10 माह ही आपको हुए हैं, राज्य सरकार की कौन सी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, कौन से ऐसे विशेष सफलताएं हैं जो
जिनको आपने अमली जामा पहनाया है? देखिए, अभी हमारे जो काम है उनके नतीजे बहुत स्पष्ट नहीं है। धरती पर उतरने में जो बुनियादी परिवर्तन लाने वाले निर्णय हैं उनमें समय लगेगा, और इसलिए मैंने वर्ष 2015 को अपने पूर्व निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए समर्पित किया हुआ है। सीएम साहब, आपने केदार घाटी में, जो केदार घाटी है वहां पर निर्माण कार्यों को अमली जामा पहना करके एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है, बावजूद विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के, तो आपको कहीं चुनौती भी नजर आई है? चुनौती है कि केदारधाम यात्रा को खोलना ही अपने आप में बड़ी भारी चुनौती थी, और हम हिम्मत कर पाए। मुझे अच्छी मति आई, सोच आई कि मैं हिम्मत कर गया, और उसका आज परिणाम है कि अगले साल तक केदारधाम यात्रा बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। अभी एनडीए की सरकार है केंद्र में, कौन सी ऐसी केंद्र पोषित योजनाएं हैं जिनको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जनहित में चाहते हैं कि अभी भी पूर्व की भांति चलती रहे? समस्त योजनाओं को, कोई योजना ऐसी नहीं है जो टाइम टेस्टेड नहीं है, और ये दुर्भाग्य होगा यदि इनमें से कुछ योजनाओं को बंद किया जाता है, मगर उसको उसका नाम बदलना हो। जैसे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण मिशन ने अद्भुत चमत्कार किया, भारत को प्रकाशमान बना दिया। दूर दूर के गांवों में, आप बिहार में जाइए, क्या किस नजर से देखते हैं? नीतीश कुमार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण मिशन के कारण लौट करके आए, लोगों ने कहा उजाला लाने वाला मुख्यमंत्री है, जबकि योजना केंद्र सरकार की थी। तो अब उसका नाम इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय रख लिया। हम कह रहे हैं नाम कुछ भी रखो, दीनदयाल उपाध्याय रखो, शंकर दत्त उपाध्याय रखो, या छोटू उपाध्याय रखो, या हरीश उपाध्याय रखो, मगर आप जो है योजना के जो बेसिक कंपोनेंट हैं उनमें परिवर्तन न लाओ, और बिना राज्यों के परामर्श के मत लाओ। अपने से कैमरामैन मनीष श्रीवास्तव के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। चलिए, उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि वो 4 तारीख से जन अदालतें लगाएंगे जिनमें जनता की समस्या से रूबरू होंगे और उनका निराकरण भी वही कर दिया जाएगा। हरीश रावत के मुताबिक वो पूरे प्रदेश में 26 जून को अदालतें लगाएंगे, ये 26 जन अदालतें लगाएंगे, माफ कीजिएगा। मैं एक काम जरूर करने जा रहा हूं, 4 तारीख जन कांडली गांव से जो जगमोहन सिंह नेगी जी रहे, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मिनिस्टर रहे, उनकी मूर्ति का अनावरण भी करूंगा, और वहीं जो है एक जन अदालत भी लगाऊंगा जिसमें लोग सामने बैठ के अपनी बात बताएंगे और हम वहीं उसका समाधान करेंगे। और ऐसे जो है मैं राज्य भर में 26 जन अदालतें वर्ष 2015 के शुरुआती दौर में लगाऊंगा। उधर राज्य के खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल ने साफ किया है कि 2018 में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। उनके मुताबिक वो राज्य को खेल एक्सलेंस के रूप में विकसित करना चाहते हैं ताकि युवा अपना भविष्य खेल में भी बना सकें। डिसाइड हमने कर लिया है कि हम राज्य के एक प्रतिभावान खिलाड़ी को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर इस राज्य के खेल का बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी शीघ्र घोषणा कर देंगे, और इस राज्य के अंदर केंद्र सरकार से हमारी मांग ये रहेगी कि वो भी हमको अधिकतम धनराशि उपलब्ध कराए जिससे खेल की अवस्थापना सुविधाएं, खेल गांव का निर्माण और इन सब चीजों को हम समय अनुसार कर लें। उत्तराखंड के मुख्य सचिव का कहना है कि प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए सरकार कार्य कर रही है और इसके लिए उत्तराखंड पर्यटन बोर्ड, कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल विकास निगम मंडल को खास निर्देश दिए गए हैं ताकि पहले शीतकाल और बाद में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को तादाद बढ़ाया जा सके। पर्यटन के दोनों हमारे निगमों, गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं
उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड, इनको दिशा निर्देश दिया गया है कि अन्य राज्यों में रोड शोज का आयोजन करके शीतकालीन चारधाम और हमारे मेन टूरिस्ट सीजन जो समर में होता है उसके लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, पर्यटकों को प्रेरित किया जाए, तीर्थयात्रियों को प्रेरित किया जाए। पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए सड़कों को ठीक प्रकार से मरम्मत करके उसे यातायात के लिए सुगम बनाना नितांत आवश्यक। परिवहन सेक्टर में भी एक्सीडेंट्स को रोकथाम करने के लिए कुछ विशेष कदम उठाए गए हैं और साथ ही साथ परिवहन निगम के कार्यकलाप को भी मजबूत करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। और उत्तराखंड से मिजोरम भेजे गए राज्यपाल अजीज कुरैशी का कहना है कि वो चार धामों का विकास चार वेदों के धाम के रूप में करना चाहते हैं, लेकिन वैसा विकास नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि चार धाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। चारों धामों का चौमुखी विकास जिस तरह मैं चाहता था उस तरह नहीं हो पाया अब तक। मैंने कहा ना चार धाम नहीं, चार वेद धाम आना चाहिए इनको। चार वेद हैं, वेद वेद इज द होलीएस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड। इतनी बड़ी महान किताब है जो दुनिया में है, धार्मिक किताबें, वेद का कोई सबसे ऊंची किताब मानी जाती है, मतलब मैं मानता हूं बात को आगे। तो वेदों की शिक्षा जो है हर धाम का वो एक वेद धाम बनाया जाए और चारों वेद के चार धाम बनाए जाए और उनकी शिक्षा अगर फैलाई जाए, मानवता को जरूरत नहीं किसी और बात की जाती है। तो कहाँ कमी रह गई, कहीं कमी नहीं, कमी तो इंसान के जीवन में कमी है पूरी। इसमें क्या उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में 7 महीने बाद भी संगठन में दायित्व नहीं दिए जा सके हैं, जिसकी बड़ी वजह प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी मानी जा रही है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पहले चुनाव और अब उपचुनाव के चलते बड़े नेताओं को वक्त नहीं मिल पाया था, लेकिन अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं लिहाजा कार्यकारिणी का गठन भी जल्द हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये बड़े बड़े दल, इनमें तमाम नेता होते हैं, उनके गुट भी होते हैं, उनके समर्थक भी होते हैं। अगर हम ये कहें कि कोई गुटबाजी नहीं है, कोई खेमेबाजी नहीं है, तो बेमानी होगी। गुटबाजी भी रहती है, खेमेबाजी भी रहती है, लेकिन कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल है। इसमें प्रदेश की कार्यकारिणी बनाना कोई आसान काम नहीं है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। तो इसलिए कसरत उसकी काफी अलग अलग हिसाब से चलती है। मैं समझता हूँ कसरत पूरी हो गई है और जल्दी बनेगी। उत्तरकाशी में इको सेंसिटिव जोन के मुद्दे को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मुलाकात करेगा और नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल इको सेंसिटिव जोन पर पुनर्विचार करने को कहेगा। आपको बता दें कि क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन का लगातार विरोध हो रहा है। उत्तरकाशी में इको सेंसिटिव जोन को लेकर वहां की जनता आंदोलित है। 88 गांव और 100 किलोमीटर की लंबाई में इको सेंसिटिव जोन की घोषणा होने से वहां का सारा विकास कार्य रुक गया है। तो इसलिए हमने कहा है कि कम से कम इस मामले को रोका जाए, इसमें पुनर्विचार किया जाए। 12 बजे 7 तारीख को हमको ये टाइम मिला है माननीय केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी का। इसमें उत्तरकाशी की जनता का एक डेलीगेशन चलेगा। मैं अनुरोध करूंगा कि सब लोग उसमें रहें ताकि हम सही बात उनको समझा सकें।